हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे, खुशहाल होंगे। हम लोग भी ठीक हैं। तो यहाँ पे नाश्ता बनाने की तैयारी हो रही है और जैसा कि बारिश का मौसम है तो देखिए कोई भी पैकेट खोलिए ना तो कई बार तो पैकेट के अंदर से भी कीड़े निकलने लगते हैं। तो वही तुरंत बस सूजी का पैकेट ओपन किए थे और उसको तुरंत इस तरह से गैस के पास सटा सटा के उसको प्लास्टिक को गर्म करके इसको वापस से पैक कर दिए, क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों पैकेट वाली चीज़ों में भी कहीं ना कहीं कीड़े आ ही जाते हैं। और सूजी रोस्ट करके हम नहीं रखते क्योंकि फिर वो टेस्ट नहीं आता। जो तुरंत आप कोई भी चीज़ बनाइए उसका टेस्ट अलग हो जाता है और थोड़ा सा रोस्ट करके जो रखिए वो टेस्ट नहीं आता है। तो यहाँ पे आज नाश्ते में सूजी का हलवा और काले चने बना रहे हैं, जो नवरात्रों में बनते हैं ना प्रसाद में, वो वाले। तो अभी जैसा कि कुछ दिन पहले आप लोग के साथ एक ब्लॉग में शेयर किए थे कि पापा इतना ही इमरती जलेबी खिलाए कि उससे मन हट गया, तो अभी आजकल पापा को एक शौक चढ़ा कि हर रेस्ट वाले दिन उनको काले चने और सूजी का हलवा ही खाना होता है। तो वही बना रहे हैं, उनको पसंद है तो बनाते हैं। तो यहाँ पे बस वही नाश्ते की तैयारी चल रही है। तो एक तरफ हलवा बनाना शुरू कर दिए, साथ में इधर कुकर में काले चने भी उबलने के लिए रख दिए हैं। और आज पितृपक्ष का पहला दिन था तो काम मतलब जल्दी जल्दी सारा काम करके साफ सफाई करके नहा धो के पूजा करनी थी, उसके बाद ही कुछ करना था। तो वही सब करने में थोड़ा सा टाइम लग गया। अब यहाँ पे जल्दीबाजी है इसलिए कुकर की सीटी निकालने का मेरा एक ये तरीका है कि सीधे नल के नीचे लेके जाओ और जल्दी से उसकी गैस निकाल के ठंडा कर लो। और मम्मी भी यहीं पे बैठी हुई हैं, थोड़ा सा उनका मन उदास है। उन्हीं का क्यों, सबका मन उदास है। पापा हैं तो वो मतलब जेंट्स का होता है ना कि वो हर चीज़ जाहिर नहीं करते, और मम्मी हैं तो उनको तकलीफ़ होती है तो वो बहुत उदास हो जाती है। तो कई बार उनको समझाने के लिए बहुत प्यार से समझाना भी होता है कि कैसे भी वो थोड़ा नॉर्मल रहे। कई बार लगता है मतलब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि बड़ों के तरह थोड़ा सा डांट के उनको भूलना पड़ता है। मतलब ये लगता है कि किसी भी तरीके से थोड़ा सा मम्मी नॉर्मल रहे, थोड़ा सा उनके दिमाग से सारी चीज़ें हटे और वो ज़्यादा परेशान ना हो। लेकिन ये सारी चीज़ें दिमाग से हटने वाली चीज़ तो है नहीं, और ये हम भी समझते हैं। लेकिन फिर भी घर में सबको ठीक रखने के लिए, सबको थोड़ा सा नॉर्मल रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो मम्मी वही थोड़ा परेशान है आज। और यहाँ पे बस जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाने की तैयारी में हम लगे हुए, क्योंकि सब कुछ करने में ना आज पहला दिन था तो थोड़ा सा टाइम लग गया इसीलिए। और बस इस तरह से जल्दी जल्दी से सारा काम करना है और मम्मी से भी बातें करते जा रहे हैं ताकि वो परेशान ना हो, क्योंकि वो बिल्कुल गुमसुम सी बैठी हुई थी और जब पूजा करके उठी तो बहुत मतलब क्या बोले, हर चीज़ हम लोग ब्लॉग में नहीं बता सकते, नहीं दिखा सकते, लेकिन बहुत कुछ ऐसा होता है जो मैनेज करना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। और फिर भी देखिए मम्मी लगी रहती है, थोड़ा सा भी उनसे अगर होता है तो वो लगी रहती है। अब यहाँ पे देखिए हम नाश्ता बनाने में लग गए हैं तो जितने भी बर्तन वगैरह धुल के रखे थे वो अब मम्मी सेट करने में लग गई है। और आज सुबह से ही लगातार बारिश होते जा रही है, मौसम ठंडा हो गया। लेकिन होता है ना कि नहा के आओ तुरंत किचन में काम करने लग जाओ तो थोड़ी गर्मी सी तो लगती ही है। तो मेरे साथ तो एक प्रॉब्लम है भी कि हमको थोड़े ज़्यादा गर्मी भी लगती है। तो बस यहाँ पे अब सूजी का हलवा भी तैयार हो गया है। एक साइड में कल जो पकौड़े बनाए थे ना मकई वाले, तो वो थोड़े से बच गए थे, मतलब उसका बैटर जो था वो थोड़ा सा बच गया था, तो वही आज बना दिया। और ये देखिए क्या हुआ था, काम करते करते पता नहीं कब मेरे कान की एक इयररिंग जो थी गोल्ड वाली वो नीचे गिर गई थी और हमको पता भी नहीं चला। बस काम करते करते अचानक नीचे नजर गई तो देखे कि अरे ये तो गिरा हुआ है। तो वही मम्मी से बोल रहे थे कि अच्छा हुआ घर के ही अंदर गिरा, नहीं तो अगर कहीं बाहर गिर जाता है या कहीं भी तो अगर नहीं मिलता तो बड़ी दिक्कत हो जाती। मतलब कहते हैं ना कि सोने का मिलना भी अच्छा नहीं होता और सोने का गुम होना भी अच्छा नहीं होता, और वैसे भी इस महंगाई में अगर सोना गुम हो जाएगा तो फिर तो बड़ी दिक्कत ही है, दिमाग टेंशन में हो जाता बिल्कुल। और आज के टाइम पे इतनी महंगाई बढ़ गई कि एक नाक की पिन मतलब कील भी लेने जाओ ना जो होती है
सिंगल स्टोन वाली भी, तो वो भी बड़ी महंगी पड़ जाती है, तो इसलिए अच्छा हुआ कि किचन में ही गिरा और मिल गया। वैसे ये गिरता नहीं है, पता नहीं कैसे आज निकल गया, और अच्छा था कि गिरते ही मेरे आँख से दिख भी गया। तो यहाँ पे बस अब काले चने भी जो है वो बना रहे हैं, और बिल्कुल जैसे नवरात्रों में बनते हैं ना उसी तरीके से बनाते हैं, क्योंकि वही सबको पसंद है। तो ना लहसुन डालते हैं ना प्याज डालते हैं, तो बस सूखे मसाले डाल के काले चने बना रहे हैं। रेगुलर जो भी मसाले होते हैं वही सब डालते हैं, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक और थोड़ा सा आमचूर, ये सब डाल के बना देते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। तो इसी तरीके से हम लोग का नाश्ता तैयार हो गया। तो यहाँ पे हम लोग आज मम्मी पापा के रूम में ही बैठ के नाश्ता करने वाले हैं, और हम लोग अक्सर यही होता है कि हम चारों लोग एक साथ ही बैठ के कुछ भी खाते पीते हैं, क्योंकि ले देख के चार लोग ही तो हैं, तो इसलिए हम लोग साथ में ही बैठ के खाते पीते हैं। और नहा के आने के बाद पूजा के तुरंत बाद किचन में लग गए थे, तो इसलिए बाल भी अभी अच्छे से सूखे नहीं थे, तो बाल वाल भी इसी बहाने सूख जाएंगे। और बस हम लोग अब नाश्ता करेंगे, इसके बाद जो काम होगा वो होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ देर के बाद आप लोगों से। तो अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, और सुबह के टाइम में नाश्ता वगैरह बनाने के बाद फिर व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किए थे, और नाश्ते में क्या बनाए थे वो आप लोग देखे। तो जैसा कि आज से पितृपक्ष शुरू हो गया है, तो हमारे घर में दादाजी और दादी का जो था वो पिंडदान वगैरह कर दिया गया, कहते हैं कि गया कर दिया गया। तो गया करने के बाद मतलब एक मान्यता है कि मुक्ति मिल जाती है, फिर ये जो 15 दिन जो सारी क्रियाएं की जाती है वो नहीं करना पड़ता है। फिर भी पूजा वगैरह तो होती है, लेकिन अभी भाई का जो है वो सब कुछ अभी नहीं किया गया है, अभी करना है वो भी, उसके लिए भी जो सब गया वगैरह करना वो सब करना है। लेकिन बस यही कहना चाहेंगे कि किसी भी माँ बाप को ऐसा दिन कभी मत दिखाना कि उनको अपने बच्चे के लिए ये सब करना पड़े, क्योंकि हर माँ बाप यही उम्मीद करते हैं ना कि मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ करे। लेकिन यहाँ पे हम लोगों की कंडीशन अलग है, मम्मी पापा को हमको हम लोग सब लोग मतलब भाई के लिए जो भी पानी वगैरह देना होता है, लोटा पानी हमारे यहाँ बोला जाता है, पानी दिया जाता है, और तिथि के हिसाब से सब कुछ किया जाता है। तो भाई की तिथि के हिसाब से 11वें दिन उसका सब कुछ होगा जो भी पूजा पाठ होता है, तो ये सब कुछ चलते रहेगा 11 दिन तक। हर दिन सुबह सुबह नहा धो के जल देना, लोटा पानी देना, दातुन वगैरह जो जो सब रखा जाता है वो सब करना, और उसकी पसंद की कोई भी चीज बनाना, ये सब करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो नियम बनाए गए हैं वो तो करना ही होगा। और मेरा तो सिर्फ ये मानना है, ठीक है भाई के लिए तो बहुत तकलीफ होती है, वो तो अब जब तक हम लोग रहेंगे ये तकलीफ दूर नहीं होने वाली है, लेकिन मेरा एक ये मानना है, ये मेरी मतलब सोच है, हम आप लोगों से बता रहे हैं, काफी लोग इसको समझेंगे। मेरा सिर्फ ये मानना है कि अगर आपको कुछ करना है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए, तो आप जीते जी उनके लिए करिए, क्योंकि ये जो रीति रिवाज बनाए गए हैं कि हाँ 15 दिन उनके हिसाब से उनके लिए सारी चीजें करनी है और उनको ही सब कुछ मिलेगा, तो ये रीति रिवाज है, इनको हम लोग भी मानते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन वो सब करिए जीते जी, उनको जितना खुश रख सकते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों को जितना खुश रख सकते हैं, उनकी जितनी केयर कर सकते हैं, उनके लिए जो भी आप अच्छा कर सकते हैं वो सब उनके होते हुए करिए और हमेशा करिए, क्योंकि जाने के बाद तो एक हम लोग सिर्फ अपने तसल्ली के लिए, अपने दिली सुकून के लिए कहते हैं ना कि ये कर दे, ऐसा था वैसा था, ये करने से उसको मिलेगा इसको मिलेगा, तो जो मिलना है वो जीते जी करिए, अपने मम्मी पापा की, अपने पेरेंट्स की, अपने बड़े बुजुर्गों की, सबकी केयर करिए, सबका अच्छे से ध्यान रखिए, सबको खुश रखिए, उनको समझिए, उनकी बातों को समझिए, उनको समय दीजिए, यही सबसे बड़ी कह सकते हैं कि यही वो चीज है जो हम उन्हें देंगे और उनको मिलेगा। बाकी तो सब कुछ है कि हम अपने मन की तसल्ली के लिए करते हैं,
और जो रीति रिवाज बनाए गए हैं उसको निभाते हैं। तो वही सब कुछ हम लोग भी कर रहे हैं। अब ये 11 दिन तक चलेगा, 11वें दिन फिर सारी पूजा वगैरह होगी। तो शुरू शुरू में तो जब ऐसा हुआ था, शुरू से ही मतलब हम लोग के यहाँ कहा जाता है कि बेटियों को ये सब चीज नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हम इस घर की बेटी और बेटा बन के हर काम करते हैं तो फिर इसको क्यों नहीं, इसको भी हम वही समझ के करते हैं। पहले मम्मी पापा भी कहते थे कि नहीं रहने दो, तुम मत किया करो, नहीं होता है, नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उनको समझाया कि जब हर चीज हम करते हैं और अगर भगवान को नहीं मंजूर था कि एक बेटा रहे और सब कुछ करे, तो जब हम हैं तो हम करेंगे और कुछ नहीं होता, ये सब बस सोच की बात है कि नहीं ये काम इसको नहीं करना, वो काम वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम एक परिवार में हैं और हम जितने लोग हैं तो हम सबको ही मिलजुल के हर काम को करना होगा, और बस इसीलिए हम भी करते हैं। तो बुरा तो बहुत लगता है, मम्मी को देखते हैं, मम्मी बहुत परेशान हो जाती हैं, कोई भी माँ कैसे बर्दाश्त करेगी ये सब कुछ, लेकिन ठीक है, भगवान की मर्जी के आगे कुछ नहीं चलता है, किसी की नहीं चलती है। बस यही प्रार्थना होती है भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अब तो जो है वो यही है, इसी में जीना है, और बस। तो यही था आज का पहला दिन। अब इसी तरीके से 11 दिन तक सब चलेगा, 11वें दिन फिर पंडित जी आएंगे, पूजा वगैरह करेंगे, सब कुछ होगा। और इसमें हम लोग कोई भी नया काम नहीं शुरू करते, कुछ भी नई चीज नहीं लाते हैं घर में, कुछ भी मतलब नया कुछ खरीदते नहीं है, ये सारा सब कुछ थोड़ा सा माना जाता है पहले। तो बस यही सब है, और ऐसे ही आज का पूरा दिन हम लोग का बीत गया। थोड़ा सा अच्छा हम लोग को, सबको नहीं फील हो रहा था, लेकिन वही है ना, कई बार आप लोग को बताया है, बस एक दूसरे से नजरें चुरा लेते हैं और सब एक दूसरे के सामने खुश रहते हैं। तकलीफ तो सबको होती है, और यही जिंदगी है, जिंदगी इसी का नाम है, कभी वो हंसाती है कभी रुलाती है, लेकिन जीना तो है। तो चलिए इस व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, और ठीक है, मिलते हैं नए व्लॉग में। Thank you.